दुबई की प्रिंसेस जहां पैसा उड़ाती हैं वह देखकर इलोन मस्क के भी पसीने छूट गए। और कैसे इलोन मस्क दुबई को बर्बाद करने वाला है, तैयार है उसका मास्टर प्लान। और क्यों इलोन मस्क ने इंडियन होने के कारण ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को ट्विटर से निकाला। और दुबई की प्रिंसेस कैसे जीती अपनी लाइफस्टाइल जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ एक बात और जानेंगे कि एक ऐसा भारतीय है जो अब ब्रिटेन पर राज करेगा, तो बने रहिए हमारे साथ, जानेंगे आज इस वीडियो में। दुबई आने वाले समय में पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और इसे बर्बाद करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलोन मस्क। इलोन मस्क ने दुबई को बर्बाद करने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है और इसे बचाने के लिए दुबई के प्रिंस के पास कोई तोड़ भी नहीं है। असल में दुबई की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर निर्भर है। दुनिया भर के लोग यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देखने और वहाँ की लग्जरी लाइफ का मज़ा उठाने के लिए आते हैं और जमकर पैसा उड़ाते हैं। वहीं दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, बुर्ज खलीफा, हर साल सरकार को $200 मिलियन की कमाई करके देती है। लेकिन टेस्ला के मालिक इलोन मस्क ने एक ऐसा ऐलान किया है कि वह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी दो गुनी बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रही है। इसको वह अपनी कंपनी टेस्ला के लिए खोलेंगे। इसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का रिकॉर्ड वो दुबई से छीन लेंगे। इसके कारण दुबई को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन यह बिल्डिंग कब बनेगी और किस साल में बनकर तैयार होगी, फिलहाल इस पर पर्दा पड़ा हुआ है। इलोन मस्क बड़े बड़े काम करने के लिए मशहूर हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी बदनाम भी हैं और इसी बदनामी के चलते उनके कई लड़कियों के साथ अफेयर भी रहे हैं। हाल ही में ट्विटर खरीदने के बाद उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का अकाउंट ट्विटर ने बैन कर दिया, जिसके बाद इलोन मस्क को जमकर ट्रॉल किया गया और काफ़ी बदनामी भी हो रही है। असल में इलोन मस्क ने जैसे ही ट्विटर को अपने कब्जे में लिया, उन्होंने सबसे पहले ट्विटर की सीईओ पराग अग्रवाल को निकाल दिया जो कि एक भारतीय है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि ट्विटर की डील के बीच पराग अग्रवाल ने बयान दिया था कि ट्विटर का भविष्य खतरे में है, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि ट्विटर का नहीं उनका भविष्य खतरे में है, जिसके बाद ट्विटर से उन्हें निकाल दिया गया। इलोन मस्क यहीं नहीं रुके, उन्होंने ट्विटर के CFO नेको सीगल को भी बाहर निकाल दिया और डिप्टी चीफ एडवाइजर को भी ट्विटर से बाहर निकाल दिया। यह वही विजियां हैं जिन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट बैन करवाया था। और इन लोगों को निकालने के बाद इलोन मस्क ने खुद ट्वीट करके लिखा, द वर्ल्ड इज फ्रीड, यानी चिड़िया आज़ाद हो गई है। यह तो वह शुरुआत है, उनका प्लान इससे भी बड़ा है। अब वह फेक फॉलोवर यूजर के अकाउंट को बैन करवाने में लगे हुए हैं। हाँ, और ट्विटर पर बोलने की पूरी आज़ादी देंगे। हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर दिखने वाले ब्लू टिक के लिए भी अब पैसे चार्ज करने की प्लानिंग कर ली है, जिसके लिए आपको भविष्य में पैसे देने पड़ सकते हैं। लेकिन दुबई के शहंशाह की बेटियां शेख लतीफ़ा और शेख शमसा अपने पिता की शानदार लाइफस्टाइल को छोड़कर भाग जाना चाहती थी और उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन हर बार उनके पिता के बॉडीगार्ड उन्हें वापस पकड़कर घर ले आते थे। कई बार शेख लतीफ़ा अपना घर छोड़ने की बात सोशल मीडिया पर भी साझा करती थी, लेकिन यह दोनों बेटियां ना तो इस्लाम को मानती हैं ना ही अपने पिता द्वारा बनाए गए किसी कायदे कानून को। दुबई की शहजादी के पास इतना पैसा है कि अगर उसे गिनने के लिए मशीन लगाई जाए तो एक महीने से ज़्यादा का समय लग जाएगा। यह अरब की सबसे खूबसूरत शहजादी मानी जाती है। इन्हें घोड़ों से काफ़ी प्यार है और यही कारण है कि इनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन 11 घोड़े हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। लेकिन सबसे महंगे घोड़े की कीमत 26 करोड़ है। इन घोड़ों की देखभाल के लिए दुबई की शहजादी हर साल लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च कर देती हैं। घोड़े के अलावा शहजादी के पास दुनिया की सबसे महंगी टॉप मॉडल की गाड़ियाँ हैं जिन्हें मॉडिफाई कराने में पैसे जमकर उड़ाया है। यह तो सिर्फ ट्रेलर भर है। शहजादी लतीफ़ा के पास कपड़ों की कीमत लाखों में होती है। इनकी कम से कम एक ड्रेस की कीमत 66 लाख है और साथ ही सबसे सस्ते हैंडबैग की कीमत 2 करोड़ है। शहजादी ने अपने लिए 10 बिलियन का घर खरीदा है जिसमें केवल सर्वेंट का ही हर साल 70 करोड़ रुपए खर्च कर देती हैं। अब एक ऐसा भारतीय
की बात करेंगे जो अब अंग्रेजों पर राज करेगा। वह अंग्रेज जिन्होंने भारत पर 150 से ज़्यादा वर्षों तक राज किया, असल में ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो पूरे ब्रिटेन पर राज करेंगे। ऋषि सुनक का जन्म ब्रिटेन में हुआ, लेकिन उनके रगों में एक भारतीय का खून दौड़ रहा है, क्योंकि उनके दादा दादी भारत के पंजाब के थे। आज से लगभग 7 साल पहले ऋषि ने ब्रिटेन के सांसद के रूप में शपथ ली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कोरोना के टाइम ब्रिटेन के लोगों को खाना पीना, रहना, दवाई इत्यादि की बेहतरीन सुविधा दी, जो कि ब्रिटेन की जनता को बहुत पसंद आई थी। और जब इलेक्शन टाइम हुआ, ऋषि सुनक सबसे अमीर प्राइम मिनिस्टर के रूप में सबसे आगे आ गए। असल में ऋषि सुनक इतने अमीर हैं कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स के पास भी इतना पैसा नहीं है, क्योंकि ऋषि सुनक की पत्नी इनफोक्स कंपनी के को फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। खैर, कुछ भी हो, एक भारतीय पूरे ब्रिटेन पर राज करेगा, इसके लिए एक लायक तो बनता है। तो समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अमेजिंग वीडियो के लिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय।